जितने भी वीडियो बनाए हैं उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मज़ेदार वीडियो जो आज का है और जिसे मुझे बनाने में बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। बिल्कुल दोस्तों, आज हम आपको इसके बारे में बिल्कुल बता देते हैं। आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, ये बहुत ही गुड न्यूज़ है कि एक ऑन पैसिव की फाउंडर जो बनी है मिस आयरलैंड 2021। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल रियल न्यूज़ है। एक बार फिर से बता दूँ, मिस आयरलैंड 2021 बनी है एक ऑन पैसिव की फाउंडर, जिनका आप पीछे फोटो देख सकते हैं। इनका नाम है पामेला बुची और ये एक मेडिकल साइंस की स्टूडेंट है और हैरानी की बात यह है दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह देखिए, अगर हौसला आपका अच्छा दमदार है ना तो आप दुनिया हिला सकते हो। और ये पहली बार हुआ है 70 ईयर्स की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कोई जो ब्लैक लेडी एक जो है वो बनी है मिस आयरलैंड 2021। मतलब 70 सालों बाद कोई जो ब्लैक लेडी वो बनी है मिस आयरलैंड, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यहाँ पर रंग रूप आप कैसे दिखते हैं, किस प्रकार से दिखते हैं, आप काले हैं गोरे हैं, कोई मायने नहीं रखता है। आपका जो हौसला है, आपका जो पैशन है किसी काम के प्रति, वो ही आपको आगे लेके जाता है, जैसा कि पामेला के साथ हुआ। और आपको ये बता दो, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ इसीलिए है कि कई फेसबुक ग्रुप में रेडफिन ने जो है मरीना ने उन्होंने ये चीज़ें शेयर की हैं फेसबुक पर। और इनके जो फादर हैं उनका नाम है हमारे बॉस हुआ जी, ये भी जो हैं जुड़े हुए। और आपके इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें, ये पहले नाइजीरिया के रहने वाले थे लेकिन फाइनली अभी आयरलैंड जा चुके हैं। और जब 7 साल की थी जो हमारी पामेला, उसी टाइम जो उन्होंने एक सोच रखा था कि उन्हें एक दुनिया में मुकाम बनाना है, और जब ये साउथ अफ्रीका से जो है वो जा करके और आयरलैंड में जा करके बस गए और वहाँ पर उन्होंने कई सालों का स्ट्रगल किया। और उन्हें वही बता रही थी कि सबसे ज़्यादा उनको चैलेंज आता था उनके रूप रंग को लेकर के, वो काली हैं उन्हें वो अच्छी नहीं दिखती हैं, तो ये बहुत सारा उनको चैलेंज आया। लेकिन दोस्तों हौसला, फिर से बोलते हैं हौसला जिसका होता है ना, जिसकी उड़ान जिसकी सोच ज़बरदस्त होती है, वो दुनिया हिला सकता है। और उस लड़की ने कर दिखाया। और सबसे अच्छी बात है पामेला की कि ये जो है इतनी पैशनेट थी अपने काम के लिए, जो उसने किसी चीज़ की परवाह नहीं की और कई स्ट्रगल कई संघर्षों का सामना करके वो आई और मिस आयरलैंड बनी। और सबसे प्राउड का विषय हम फाउंडर के लिए यह है कि वो ऑलरेडी हमारी ऑन पैसिव की फाउंडर है और इनके फादर है, उनकी भी इसमें आईडी है। तो इसके आप देख सकते हैं कि फेसबुक ग्रुप वगैरह में जो है जुड़े हुए हैं, जब आप देखेंगे स्टडी करेंगे तो रेड एडविन मरीना सब में आपको इनको शेयर किया है। तो हमारे लिए इससे बड़ा प्राउड का मोमेंट क्या होगा दोस्त, की एक जो है हमारी ही एक फाउंडर, एक जबरदस्त फाउंडर जो है वो बनी है मिस आयरलैंड, और अब उसने जो है मिस वर्ल्ड के लिए भी अप्लाई कर दिया है। तो कंग्रेचुलेशंस पामेला, हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे पूरे इंडियंस की तरफ से, हमारे सारे फाउंडर्स की तरफ से आपको बहुत 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 सारी कंग्रेचुलेशंस, बहुत सारी बधाई दोस्तों। यही है ऑन पैसिव के आने से, न सिर्फ आप ऑन पैसिव के फाउंडर बनने से आपको खुशी होगी, बल्कि ऑन पैसिव आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और लाने वाला है। जो लोग सोचते रहेंगे दोस्तों, सोचते रहेंगे, लेकिन जो लोग करते जाएंगे ना, वो पामेला जैसे लगातार अपना देखिए स्ट्रगल करके वो लड़की आज बनी है एक मिस आयरलैंड 2021। तो सोचिए, हमारी पूरी उसके साथ दुआ है, हमारे पूरे जो सारे लोगों का उसके साथ जो दुआएं हैं कि वो मिस वर्ल्ड भी बने। और दोस्तों रंग रूप, फिर से बोल रहा हूँ, रंग रूप आपका कोई मायने नहीं रखता है, आप काले हैं गोरे हैं क्या करते हैं कोई मायने नहीं रखता। वही पामेला ने कर दिखाया और 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने और मिस आयरलैंड बनी, और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और आपको ये भी बता दूं, ऑन पैसे भी दोस्तों यही है, यहाँ पर कोई रंग रूप जाति भेद मतभेद कोई कंट्री कोई मायने नहीं रखता, यहाँ पे सिर्फ एक ही मजहब है हम सबका, और वो है ऑन पैसे दूसरों की मदद करने का। और जब हमारे ऐसे प्राउड फाउंडर आते हैं पामेला जैसे, तो उनको सैल्यूट है, हम जैसे लोगों को गर्व है कि आज हम ऑन पैसिव का हिस्सा हैं और ऐसे ऐसे ग्रेट फाउंडर हमारे साथ जुड़े हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।